चाइना की आईफोन कहे जाने वाली कंपनी शायोमी ने जुलाई महीने में शायोमी MI 5X को चाइना में लॉन्च कर दिया था, जिसके बाद भारत में जल्द ही इस फोन को लॉन्च करने की खबरें आ रही थी। तो हम आपको बता दें कि शायोमी वाइस प्रेसिडेंट और शायोमी के भारतीय मैनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके ये हिंट दिया है कि शायोमी MI 5X को सितंबर महीने में कंपनी भारत में लॉन्च कर सकती है। उन्होंने ट्वीट किया है, कांट वेट फॉर यू गाइज टू चेक आउट शायोमी फर्स्ट ड्यूअल कैमरा फोन इन इंडिया कमिंग नेक्स्ट मंथ। भारत में आने वाले इस फोन की खासियत की बात करें तो MI 5X के बैक में ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया गया है। 5.5 इंच वाले स्मार्टफोन में 2.5D कवर्ड ग्लास प्रोटेक्शन मौजूद है। कंपनी ने इस फोन में स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है, जिसकी सर्वाधिक क्लॉक स्पीड 2 GHz होगी। मल्टीटास्किंग को आसान बनाने की जिम्मेदारी 4GB रैम पर है। इनबिल्ट स्टोरेज 64GB है, साथ ही जरूरत पड़ने पर 128GB तक का माइक्रो SD कार्ड इस्तेमाल करना संभव होगा। फोन के कैमरे की बात करें तो दो रियर कैमरे वाले इस स्मार्टफोन के दोनों ही कैमरे 12 MP के हैं। इनमें से एक वाइड एंगल कैमरा है और दूसरा टेलीफोटो कैमरा। वाइड एंगल वाले सेंसर का अपर्चर f2.2 है, वहीं टेलीफोटो कैमरे का अपर्चर f2.6 है। ये फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस और पैनोरमा मोड के साथ आएगा। इसमें बोके इफेक्ट के लिए पोर्ट्रेट मोड भी दिया गया है। फ्रंट पैनल पर 5 MP का सेंसर है, जो रियल टाइम ब्यूटिफिकेशन के साथ आता है। MI 5X स्मार्टफोन बेहतर क्वालिटी ऑडियो आउटपुट के साथ आएगा। 3080 mAh बैटरी इस स्मार्टफोन को पावर देने का काम करती है।